हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओरिफ्लेम की जियोर्डानी गोल्ड रेंज के बारे में। तो ये रेंज तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ओरिफ्लेम की प्रीमियम रेंज है। सेकंड, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। मतलब ये मेकअप अगर आप यूज़ करते हो या ये इसके बेस प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत ही यूथफुल लगेगी और आपकी जो भी एजिंग साइंस है वो टेम्पररीली ब्लर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस रेंज के फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है जियोर्डानी गोल्ड यूथफुल रेडियंस एलेक्जर प्राइमर। तो ये प्राइमर जो है बहुत ही लाइट वेट है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे गोल्डन पार्टिकल्स भी है जो आपके फेस को बहुत ही ड्यूई लुक देगा और नेचुरल ग्लो देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्पार्कली है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा थिन है, तो आपके ये पोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर देगी। और अगर आप इसे ब्लेंड करते हैं अपने स्किन पे तो ये ऐसे लुक देती है आपको, एकदम बिल्कुल स्पार्कली और शाइनी लुक देती है। तो ये था जियोर्डानी का फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे बेस प्रोडक्ट के बारे में। तो बेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है जियोर्डानी गोल्ड सीसी क्रीम और एक है जियोर्डानी गोल्ड फाउंडेशन। तो ये जो सीसी क्रीम है ये इसमें SPF 35 भी है, तो इसे लगाने से पहले आपको सनब्लॉक या सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगेन बहुत ही लाइट वेट है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, ये आपके स्किन को इवन टोन देगा। सेकंड है जियोर्डानी का गोल्ड फाउंडेशन, तो इसमें भी अगेन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, इसमें भी SPF 15 है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टी लुक चाहते हैं, फुल कवरेज चाहते हैं, पूरे स्किन को इवन टोन देना है तो आप ये वाला बेस यूज़ कर सकते हो और आप सीसी क्रीम को स्किप कर सकते हो। हमारे फर्स्ट 3 स्टेप्स जो होते हैं मेकअप के वो तो हो गए। फर्स्ट हमारा प्राइमर है, सेकंड हमारा सीसी क्रीम है एंड थर्ड हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बाद अगर आप स्किन को एक मैट लुक देना चाहते हो और एक इवन टोन देना चाहते हो और आपके पूरे मेकअप को एकदम फ्लॉलेस दिखाना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं जियोर्डानी का शीयर पाउडर जो इस तरीके से दिखता है। इसमें भी SPF 15 मिलता है। ये जो है वो लाइट शेड में है और ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है। तो ये हमारे बेस के प्रोडक्ट्स हो गए। इसके बाद अगर हमें हमारे फेस को थोड़ा कलरफुल बनाना है, थोड़ा बाउंसी लुक देना है तो हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। तो ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स टोटल 3 शेड्स में आते हैं, एक ब्राउन शेड में आते हैं, एक पिंक शेड में आते हैं और एक इल्यूमिनेटिंग शेड में आते हैं जो आपके स्किन को सिर्फ ग्लोई लुक देता है। और अगर आप ब्रॉन्ज शेड में लेते हो तो आप उसे कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रोज़ पेटल शेड को आप यूज़ कर सकते हो अपने स्किन को ब्लश ऑन के लिए और आई शेडो के लिए। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक ऐसा मेकअप ब्रश लेना है, इसे ऐसे जस्ट डैब करना है। आपको अगर डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डैब कर सकते हैं और आप इसे बस चीक्स पे ऐसे लगा देना है। तो ये आपके स्किन को बहुत ही नेचुरली पिंक बना देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिफ्लेम की जियोर्डानी गोल्ड रेंज की लिपस्टिक्स के बारे में। तो ये जो है वो है जियोर्डानी गोल्ड की आइकॉनिक लिपस्टिक। इसमें भी SPF 15 आता है तो ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके स्वॉचेस। ये फर्स्ट शेड है, ये कुछ इस तरीके से आता है, बुलेट लिपस्टिक है। ये एक पिंक शेड है, एक ब्लू अंडरटोन के साथ है। थर्ड शेड है जो मेरा बहुत ही फेवरेट शेड है और ये मेरे स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है। तो ये है ओरिफ्लेम की जियोर्डानी रेंज। इसे टॉप कर सकते हो एक जियोर्डानी गोल्ड एसेंजा परफ्यूम के साथ। ये बहुत ही मस्की फ्लेवर का परफ्यूम है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, ये एटलीस्ट 12 आवर्स तो टिकेगा। तो फ्रेंड्स, ये है ओरिफ्लेम की जियोर्डानी गोल्ड कलेक्शन रेंज में आपके मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। बहुत रिच लुक देता है और एकदम ही नेचुरल लुक देता है आपके स्किन को।
अगर आप इस रेंज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM या मेरे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।